तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक फॉर ऑल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने सैमसंग फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, तो आज की वीडियो में मैं सैमसंग फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज करके बताऊँगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें दूसरे तरीके से ऑप्शन आएगा और सेम ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है वहाँ पर, और आप दूसरे फ़ोन में भी कर सकते हैं ये सेटिंग। तो सिंपली चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ये देख लीजिए, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। ये देख लीजिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप से लिंक आता है, फेसबुक से लिंक आता है, या कहीं मेल वगैरह आता है, लिंक मेल में लिंक आता है, तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो ब्राउज़र ओपन होता है, जो ब्राउज़र में वो वेबसाइट ओपन होना चालू हो जाता है, उसी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कहते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में कोई दूसरा ब्राउज़र सेट हो गया है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ब्राउज़र ये शो हो रहा है। तो ये मैं सैमसंग के फ़ोन में कर रहा हूँ, आप दूसरे फ़ोन में अलग तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं क्रोम अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो क्रोम सेलेक्ट कर सकता हूँ, ताकि कोई भी लिंक आए, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाए और उसी में वो लिंक ओपन हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज कर सकते हैं, ताकि लिंक उसी एप्लीकेशन में ओपन हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।